कलयुग का जमाना, तू तो सतियों की सीता मैया की जमाना। इस घर की शांति के लिए ये सब कुछ भूलने को तैयार है, लेकिन अगर तुम बहनों की पारी आती ना, तो तुम जिसने अगर कुछ तुम्हें ऐसा कुछ कहा होता तो तुम चीर फाड़ कर देती उसका। संस्कार संस्कार की जब देखो तुम्हारी देती रहती है, राग लापती रहती है अनुष्का देवी। लड़की शक्ति के लिए सब कुछ बुलाने को तैयार है, ना कि तुम बहनों की तरह। अगर तुम्हारे साथ किसी ने ऐसा कुछ किया होता ना, तुम चीर फाड़ डालती उसको। काजल बोली एक्शन। इस जमाने में कैसे पैदा हो गई बेटा, तू तो कलयुग का जमाना, तू तो सतियों की सीता मैया की जमाने। एक्शन। ऑर्डर सर। रोल। एक्शन। एक्शन। अनु आप बताइए कि काजल किन किस बातों को छुपा रही है और यहाँ पे काजल प्रेग्नेंट है इस बात को वो छुपाने की कोशिश कर रही है, जो कि मुझे पता चल गया है। और वो बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी हमारे घर में, तो वो भी मुझे पता चल गया। अभी मैं सबके सामने, मम्मी जी के सामने, जो उसको इतना मानती है, अच्छी उनको इतना उतनी अच्छी लगती है, तो मैं वो
उसकी उसकी असली उसका जो असली चेहरा है वो सबके सामने लाना चाहती हूँ। तो ये सभी चल रहा है। हमने सुना आपने कैसे मतलब बहुत कोशिश करके पता लगाया और फिर डॉक्टर आके मुकर गया, जरा इस सीन के बारे में। हाँ, वो डॉक्टर आके लास्ट में वो पलटी मार देता है, मार देती है कि उसको वो बोल देती है कि नहीं काजल आनंद करके कोई और था, काजल सरीन नहीं था। तो मैं झूठी साबित हो जाती हूँ, मेरे लिए सब कुछ अभी मैं कन्फ्यूज हूँ कि मैं क्या करूँ। पर फिर भी अनुष्का सच को तो सामने लाएगी किसी न किसी तरीके से। अगर काजल की बात करें, काजल चाहती क्या है इस सच्चाई को छुपा के? वो एग्जैक्टली वो अभी भी तो मुझे नहीं पता कि क्या सच है ये, वो मतलब कैसे प्रेग्नेंट है, क्या है उसकी हिस्ट्री, क्या है वो कहाँ से आई, अभी तक यहाँ पे कुछ सीरियल में डिटेल में दिखाया नहीं गया है, पता नहीं क्या है। चलिए लास्ट अपने फैंस से कुछ कहेंगे। आप लोग शास्त्री सिस्टर्स देखते रहिए, आप लोगों का बहुत सारा प्यार हमें मिलता है इसलिए आज हम यहाँ पे हैं। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग शास्त्री सिस्टर्स एंड लव यू ऑल। थैंक यू।